नमस्कार जेएनएन उसकी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। राज्य के ऊपर राज्य नागपुर को क्रीड़ा संकुल ने किया बिहार। खाने में लिया प्याज के लिए भटक रहे खिलाड़ी। क्रीड़ा संकुल के उप संचालक रेवतकर से की हमने खास बातचीत। खाने में लिया प्याज से तड़प रहे खिलाड़ी। गंदगी और अव्यवस्था के कारण शर्मसार हुआ नागपुर। विभाग के क्रीड़ा संकुल की बुरी यादें लेकर लौटे। सरकार विकास हो या सुव्यवस्था के कितने ही दावे करने पर गुड़बंधक का नजारा बार बार सामने आ ही जाता है। इसी क्रम में नागपुर आज फिर से पूरे राज्य में शर्मसार हो गया है कि राज्य भर से आए जो खिलाड़ियों को भारी दुर्व्यवहार और अस्वच्छता के बीच दो दिन से बिताने पड़े। हाँ तो तब हो गए जब एथलेट्स के खिलाड़ियों को दिन भर मैदान में प्यासे तड़पना पड़ा। बुधवार को विभागीय क्रीड़ा संकुल मानकापुर खिलाड़ी रोड के परिसर में राज्य स्तरीय एथलेट्स की स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के सभी जिलों के क्रीड़ा सह शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को लेकर पहुंचे। बुधवार को दोपहर शिक्षकों का धैर्य तब टूट गया जब कीड़े और इल्लियां नजर आए। बाहर से आए खिलाड़ियों को असुविस्तार पे त्रस्त होकर पर्दा उधर पाए। यही क्रीड़ा के शिक्षकों ने बदहाली के लिए नागपुर विभागीय को जमकर कोसा। चर्चा थी कि उन्हें अभी अपने टूर्नामेंट में दौरान याद किया कि नागपुर विभागीय क्रीड़ा सह संकुलन जैसे गंदगियों की दुर्व्यवहार के तक नहीं देखा है। दोपहर के खाने में रोटी के लिए बीच कपड़े में नजर आए खिलाड़ियों को शिक्षकों का धैर्य जवाब दे ही गया। शिक्षकों के बार बार क्रीड़ा के उपसंचालक सुभाष रेवतकर हो या क्लर्क के महेश पडोले इसकी शिकायत की लेकर उन्होंने अभी कुछ भी नहीं सुनी। क्रीड़ा शिक्षकों के बताया कि नियम अनुसार खिलाड़ियों को नाश्ते में दूध केला अंडा चिकन उपमा बेर सॉस आदि दिया जाता है लेकिन यह सिर्फ पोहा ही दिया गया। फक्त दुपारच्या वेळेला सायंकाळच्या वेळेला मी कोर्टामध्ये असताना मला फोन आला का पाणी संपलेलं आहे। मी तातडीने पाणी संपल्याबरोबर त्यांना 4 वाजताची वेळ त्यांना सांगितलं पाणी घेऊन या पाठवा। पाणी पाठवलं आल्यानंतर आमची त्यांची जी गाडी आहे ती संकुलातील त्या याच्यात पंक्चर झाल्यामुळे तिथे पोहोचायला तो उशीर झाला पण पाण्याची व्यवस्था ही आपण पूर्णपणे केलेली आहे। जेवणामधला जो प्रकार आहे हा तो कोणीतरी हेतू नाही नाही अंडे नाही आमच्या मेनूमध्ये आम्ही दिलेलं आहे की फळं आणि नाश्ता आणि चहा जो आहे आमचा 125 रुपयामध्ये जे निघालेला आहे आम्ही दिलेलं होतं। एक प्रत्येक दिवशी एक दिवस चिकन आणि एक दिवस मीठ आहे आणि अंडा द्यायचा आम्ही कबूल केलं नाही नाही शीट वगैरे गायब केल्याचा जो प्रकार जो आहे तो नाही। ते काही शीट आता रिन्युवेशनला हॉस्टेल आलं असल्यामुळे काही शीट्स नाही आहे पण संडा चांगली व्यवस्थित आहे। आताही तुम्ही जाऊन बाईट घेतले तर तुम्हाला स्वच्छ आणि स्वच्छच तुम्हाला संडास दिसतील। काम चालू आहे हा आमचं रिन्युवेशनमध्ये आहे ना रिन्युवेशनला हॉस्टेल दिलेलं आहे रिन्युवेशनचं काम NIT करणार आहे। शिक्षकों के अनुसार विभागीय क्रीड़ा संकुलन हॉस्टेलों के प्रयुक्त फ्लाईओवर पर 4 टॉयलेट इंतजाम किए गए। हमेशा गंदगी बदबूदार रहती है। वॉशिंग बेसिन और देखभाल गुणस्थित के टॉयलेटों की कुंडिया टूटी हुई है। यदि कोई महिला खिलाड़ी या टॉयलेट पे जाती है तो दूसरे खिलाड़ियों को भी सुरक्षा के लिए बाहर खड़े रहना पड़ता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ गिरीश झुंगे की रिपोर्ट इंडिया न्यूज के लिए।